हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू बाबा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूल के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका नाम है ई स्कैन एवी सर्ट इन टूल किट। दोस्तों, ई स्कैन सर्ट इन टूल किट जो है एक बोट रिमूवर टूल है। बोट क्या होता है? एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है बाई डिफ़ॉल्ट। जब आप कोई ऐसी मेलिशियस फाइल को डाउनलोड कर लेते हो या कोई ऐसा बेकार का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो जो हैकरों द्वारा किसी वेबसाइट पर डाला गया होता है किसी सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए। और बोट हमेशा तभी काम करते हैं जब कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो जैसे ही आपकी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड होती है तो बोट के जरिए हैकर क्या करते हैं कि आपके डिवाइस का एक्सेस पा लेते हैं। और जब एक्सेस पा लेते हैं तो आपके डिवाइस से, यानी आपके लैपटॉप या टैबलेट या फिर फ़ोन से, वो किसी को SMS भेज सकते हैं या फिर आपके वेबसाइट का सारा डाटा भी वो चुरा सकते हैं। तो जो बोट को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। बोट वायरस जितने भी खतरनाक होते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वायरस तो सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर को ख़राब करता है, लेकिन बोट जो होते हैं वो आपका डाटा भी चुरा लेते हैं और आपके जो डिवाइस है आपका उसका पूरा कंट्रोल पा लेते हैं। दोस्तों, तो जो ई स्कैन एवी सर्ट इन टूल किट है, ये बोट को रिमूव करने में एक बहुत ही हेल्पफुल हमारे लिए टूल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि ये ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक क्यों है? क्योंकि इसे एक हमारे देश के प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम सर्ट इन है, सर्ट इन का फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो ई स्कैन एवी सर्ट इन टूल किट है ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। इसको कोई पैसा नहीं पे करना है। लाइक आप जब दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, क्विकहिल या अवस्ट का, तो उसमें बोट रिमूवर टूल जो होता है वो पेड वर्जन होता है। तो गवर्नमेंट ने इसे बनाया है ताकि, मतलब, इसको नागरिक देश के जो जितने भी लोग हैं वो यूज कर सके इजीली। तो मैं इसमें अभी आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है और कैसे इसका यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ। देखिए, मैंने रिज्यूम कर, यहाँ पर मैंने इसको रिज्यूम कर दिया है। अब ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है मैं आपको दिखाऊँगा। एक्चुअली जो बोट होता है दोस्तों, उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या करते हैं कि इस बोट के जरिए जो हैकर होते हैं आपके डिवाइस का पूरा कंट्रोल एक्सेस ले लेते हैं। जो भी हैकिंग होती है, सुनते होंगे आपकी फ़ोन हैक हो गया या कोई वेबसाइट हैक हो गया या कोई, मतलब, PC हैक हो गई है, तो वो एक्चुअली बोट के जरिए ही होती है। वायरस क्या करता है? आपके डिवाइस को इन्फेक्ट करता है, लेकिन बोट से हैकर एक्सेस पाते हैं और फिर सारा का सारा डाटा चुरा लेते हैं। तो जाने अनजाने में अगर आपके भी डिवाइस में कोई बोट इंस्टॉल हो गया है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं इस डिवाइस के जरिए। थोड़ा सा समय लग रहा है, काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है क्योंकि 283 MB का है, तो थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसको इंस्टॉल करना है, पूरा यूज़र गाइड बताऊंगा इसका। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप कि जैसा कि ये डाउनलोड हो चुका है। अब ये डाउनलोड होते ही मैंने इस फाइल को ओपन किया है, ठीक है। ओपन करने के बाद इसको इंस्टॉल करना है, इस पे यस पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। जिसका भी विंडो 8 या उससे ऊपर का है तो उसमें यस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसा कि देख रहे हैं कि इंस्टॉलिंग प्रोसेस चल रहा है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इसे इंस्टॉल होने देते हैं हम। ओके, वेट करना होगा थोड़ा। जैसे ही इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ये पूरा आपके डिवाइस को स्कैन करेगा, स्कैन करके बताएगा कि कोई बोट है या नहीं। अगर कोई बोट नहीं होगा तो नहीं बताएगा, कोई बोट होगा तो तुरंत बताएगा, और उसको कैसे रिमूव करना है वो भी ये बताएगा और उसको रिमूव करेगा बैकग्राउंड में। थोड़ा वेट करते हैं, टाइम लग रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी बजाय दूसरे पेड
या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर के बजाय इसको यूज कीजिए, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक सोर्स है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बनाया है इसे। देखिए क्या करना है, यहाँ पर स्कैन एंड क्लीन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है? जैसे कि फोल्डर ये वो अपने आप ले लेगा, आपके इस पूरे डिवाइस का कंट्रोल इसके पास चला गया है। यहाँ से आप सिर्फ स्कैन पे क्लिक कीजिए, मैं आपको यूजर गाइड दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए ये यूजर गाइड है, कुछ नहीं छेड़ना है, वेबसाइट का यूजर गाइड बता रखा है। मेमोरी पे पहले से क्लिक है, जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये सब पहले से ही क्लिक है, आपको सिर्फ स्कैन एंड क्लीन पे क्लिक करना है। देखिए स्कैनिंग प्रोसेस चल रहा है, स्कैन करना है। यहाँ पर टाइमिंग भी दिखा रहा है, मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। ये देखिए स्कैनिंग चल रहा है। ये वायरस लॉग इन्फॉर्मेशन है, यानी कि कोई बोट है या नहीं, ठीक है, वो दिखाएगा। यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्ट स्कैन दिखा रहा है, तो अभी ये मेरे पूरे सिस्टम को स्कैन कर रहा है। ये देखिए 47 सेकंड टाइम दिखा रहा है, वैसे ये ज़्यादा स्लो नहीं है, फास्ट भी है, देख सकते हैं आप। अभी मुझे इसे ऑन किए हुए सिर्फ 1 मिनट हुआ है, मतलब 1.5 मिनट। वहीं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हार्डली 2 मिनट 27 सेकंड लगे हैं हमें, और इसने 19,487 फाइलों को स्कैन किया है। और आप देख सकते हैं वायरस लॉग इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा, क्योंकि मेरे इस डिवाइस में, मेरे लैपटॉप के अंदर कोई भी बोट नहीं है। यहाँ पर दिखा, ये ऑप्शन है नीचे, टोटल ऑब्जेक्ट स्कैंड नंबर, टोटल क्रिटिकल ऑब्जेक्ट ये भी नहीं है, टोटल डिसइंफेक्टेड ऑब्जेक्ट, टोटल डिलीटेड ऑब्जेक्ट, टोटल ऑब्जेक्ट रीनेम्ड, टोटल एरर, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, 0-0 है। और यहाँ पर ग्रीन टिक आ रहा है, यानी मेरी डिवाइस बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।